हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड फॉरेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी में वन्य जीव और मानव के बीच बढ़ते संघर्ष को लेकर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बता दें कि इस कार्यशाला में उत्तराखंड के 130 फॉरेस्ट गार्ड प्रतिभाग कर रहे हैं। एकेडमी की उप निदेशक डॉक्टर अभिलाषा सिंह ने बताया कि इस कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षु फॉरेस्ट गार्डों को वन्य जीवों का इंसानों के प्रति बदलते स्वभाव और उनके हमलावर होने के कारण और निवारण को लेकर विशेषज्ञों के द्वारा व्याख्यान दिया जा रहा है, जिनमें डॉक्टर धनंजय मोहन PCCF और तितली ट्रस्ट के अध्यक्ष संजय सोंधी ने प्रथम दिन कार्यशाला में व्याख्यान दिया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है FDI की तरफ से, जिसके में बेसिकली ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टॉपिक है। और इसमें हमारे जो बेसिकली जो हमारे यहाँ ट्रेनीज हैं फॉरेस्ट गार्ड्स जो FDI में अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो रामपुर मंडी में प्रशिक्षण ले रहे हैं और जो कालागढ़ ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनको हम बेसिकली एक एक्सपोजर दे रहे हैं कि कैसे आपको फील्ड में जाके ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसको कैसे हैंडल करना है।